नमस्कार, आप सभी को वैल्यू एडिशन सीरीज़ के दूसरे वीडियो में आपका स्वागत है। आपको पता है कि ये सीरीज़ पैरेलल चल रही है एक करंट अफेयर्स सीरीज़ की। इसमें एक वीडियो पहले अपलोड किया जा चुका है जिसमें हमने मिनरल्स की बात की थी कि कौन सा मिनरल किस कंट्री में ज़्यादा है और किस कंट्री में उस मिनरल का रिजर्व ज़्यादा है। उसी कड़ी में ये दूसरा वीडियो मेजर एंड इम्पॉर्टेंट ट्राइब्स ऑफ द वर्ल्ड, और मैंने दोनों वीडियो का लिंक का मैंने दोनों वीडियो के पीडीएफ का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर दिया है, और साथ ही दोनों वीडियो के लिए अलग प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, तो आप वो पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल ड्राइव का लिंक है तो आप लोग को डाउनलोड करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, और साथ ही आप लोग प्लेलिस्ट से भी वीडियो देख सकते हैं। आज का टॉपिक है मेजर एंड इम्पॉर्टेंट ट्राइब्स ऑफ द वर्ल्ड। इसमें बेसिकली हम लोग मेन मेन ट्राइब्स की बात करेंगे। इसमें अगर बीपीएससी की बात की जाए तो बस यही एक फॉर्मेट होता है कि किसी ट्राइब का नाम दिया होता है वो किस देश या किस क्षेत्र में किस रीजन में पाए जाते हैं, और बीपीएससी बहुत डीप में सवाल नहीं पूछती है। सो बेसिकली हम लोग आज यहाँ पे 25-30 ट्राइब्स की बात करेंगे, बस उसका हम लोग रीजन देखेंगे कि कौन सा ट्राइब किस रीजन में पाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला ट्राइब है पिगमीज, आपको पता है कॉन्गो रिवर बेसिन एंड जायरे या जायरे में पाए जाते हैं लोग। दूसरा टूरेग्स, ये सहारा डेजर्ट में पाए जाते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, जो जो इम्पॉर्टेंट होगा मैं बताते जाऊंगा। तीसरा हॉटेंटॉट्स, ये नामीब डेजर्ट में पाए जाते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। चौथा बुशमैन, ये कालाहारी डेजर्ट में पाए जाते हैं, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। जुलू साउथ अफ्रीका, मशाई वेरी इम्पॉर्टेंट, केन्या एंड तंजानिया में ये ट्राइब पाई जाती है। शैन बुशमैन, ये भी केन्या में पाए जाते हैं। हौसा, ये लोग नॉर्थ नाइजीरिया में पाए जाते हैं। बंटू, इनका मेन क्षेत्र सेंट्रल अफ्रीका और ईस्ट अफ्रीका है। फेल्ला, इनका मेन क्षेत्र इजिप्ट है। बिंडिबू और एव ओरिजिन्स ऑस्ट्रेलिया, वेरी इम्पॉर्टेंट। चुकची, ये एक्चुअली इंडेंजर्ड ट्राइब की श्रेणी में आ गए हैं, नॉर्थ साइबेरिया या फिर रसिया भी बोल सकते हैं, ये वेरी इम्पॉर्टेंट। एस्किमोज, वेरी इम्पॉर्टेंट, ग्रीनलैंड, नॉर्थ कैनेडा, अलास्का या और साइबेरिया। फुलानी, वेस्टर्न अफ्रीका में पाए जाते हैं। गोबी मंगोल, से तो खैर नाम सही है कि गोबी डेजर्ट के आसपास के क्षेत्र में पाए जाते हैं। बेडोइन, इम्पॉर्टेंट, सहारा और मिडिल ईस्ट में पाए जाते हैं। योनास, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट रीजन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया में पाए जाते हैं। इंडिया ट्राइब, इंडिया ट्राइब नाम देख के ये मत समझ गए कि इंडिया देश में पाए जाएंगे, अमेजॉन बेसिन में पाए जाते हैं, इम्पॉर्टेंट है। कालमुक ट्राइब सेंट्रल एशिया में पाए जाते हैं। कजाक्स, नाम से ही कजाकिस्तान में पाए जाते हैं। किर्गिज, इम्पॉर्टेंट ट्राइब, एशियाटिक स्टेपीज में पाए जाते हैं, जो हमारे मध्य एशिया में घास का मैदान है वहाँ पाए जाते हैं स्टेपीज। मॉरीज, वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं, बहुत ही आजकल न्यूज में भी रहते हैं अपने ये जो लोग जो हक्का करते हैं शायद, हाँ उनको शायद हक्का ही बोलते हैं, उस वजह से हक्का ये जो बोलते हैं। मेओज, म्यांमार में पाए जाते हैं। रेड इंडियन, वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक्चुअली नॉर्थ अमेरिका के ये लोग नेटिव थे, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टापिरो, पापुआ निगुनी में पाए जाते हैं। युआकुत्स साइबेरिया में पाए जाते हैं। सेमांग, इम्पॉर्टेंट है, ईस्ट सुमात्रा या मलय पेनिनसुला में पाए जाते हैं, साउथ ईस्ट एशिया का जो क्षेत्र है। अकरा, अमेजॉन बेसिन में पाए जाते हैं, ये भी एक तरह से इंडेंजर्ड ट्राइब की श्रेणी में आते हैं। बोरो, इम्पॉर्टेंट, ये भी अमेजॉन बेसिन में पाए जाते हैं। माया ट्राइब, ये तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, माया सिविलाइजेशन, वहीं से नाम आया है। ये मेक्सिको, ग्वाटेमाला और होंडुरस में पाए जाते हैं। हेमिटेस, नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में पाए जाते हैं। और लास्ट में इम्पॉर्टेंट स्वाहिली, केन्या एंड तंजानिया में पाए जाते हैं। तो जो जो इम्पॉर्टेंट है मैंने मेंशन कर दिया है, तो पहले उसको तो ज़रूर से पढ़ लीजिएगा,
मैं अंत में एक जो जो आप मतलब जो जो ज़्यादा पढ़ने में उसको अंत में टिक भी कर देता हूँ कि आप लोग को ज़्यादा कन्फ्यूजन ना, मतलब अगर पहले पढ़ना है तो उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। ये हो गया, फिर ये दोनों नाम से खैर कर ही लेंगे, इंडिया। तो ठीक है, मैंने मार्क कर दिया है जो जो इम्पोर्टेंट है, पहले उसको जरूर से देख लीजिएगा। तो आई थिंक टोटल 32 है, तो 10 तो कम हो ही गया है, तो 20-22। ऐसा नहीं कि इसको हर दिन याद करने बैठ जाना है, जब भी टाइम मिले। ये इसलिए मैंने इसी वीडियो के साथ साथ पीडीएफ भी दे दिया है कि आप लोग जब भी टाइम मिले अपने फ़ोन में, या इसका अगर प्रिंट करना चाहें तो पीडीएफ से इसको आप पढ़ सकते हैं। हर दिन बैठ के याद करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी बात है, अगर इससे एक आध सवाल आ गया तो अच्छी बात है, और नहीं भी आए तो इस पर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना। इसलिए मैंने इस सीरीज़ का नाम रखा है वैल्यू एडिशन सीरीज, कि ये आपको जब बाकी स्टैटिक और करंट अफेयर्स करने से टाइम बच जाए, तब जो आप लोग जो थोड़ा सा पढ़ने के बीच में ब्रेक लेते हैं, उस सब के बीच में ये सब चीज़ों को कर सकते हैं। तो ठीक है, थैंक यू। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।